और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश निराशा के साए से उभरा है और अब अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम जोड़ रहा है। पीएम ने आज संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 28 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें प्रमुख रूप से वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास शामिल है। इस परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में वाराणसी में हुए विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी उसमें जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण भी शामिल है। पेयजल की इन योजनाओं से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही है। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। पीएम ने कहा कि आज केंद्र और यूपी में गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि लोग भले ही उन्हें प्रधानमंत्री बोलें, वे खुद को उनका सेवक मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों को चश्मे का वितरण किया। मोतियाबिंद रोग मुक्त वाराणसी बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलाया जा रहा है। पीएम ने बैंकों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऋण लेने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों, सांसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं और विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी संवाद किया। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला और हरकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने